अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी कहाँ रह गई है? लक्ष्मी नहीं आई अभी तक, जबकि उसे इस होटल का कोना कोना पता है, लेकिन फिर भी नहीं आई है। पता नहीं कहाँ रह गई है। डैड, माँ नहीं आई तो आप क्यों रुके हो यहाँ? जाओ लेके आओ माँ को। सो गई? किसी मुसीबत में हुई तो? Yeah, you're right. मैं लेकर आता हूँ माँ को। रमेश, तुम इनके साथ जाओ। सॉरी मैम, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे आपके साथ रहना है, आपकी हिफाजत करनी है, किसी भी कीमत पर। सॉरी मैम, प्रोटोकॉल है। पर रमेश, तुम... रमेश सही बोल रहा है मैडम, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए मैं ही ऋषि के साथ जाता हूँ। इट्स ओके अंकल, आप प्लीज, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले जाता हूँ। लक्ष्मी को जो सीक्रेट एग्जिट पता है होटल का, सिर्फ वही एग्जिट मैं नहीं जानता हूँ। नहीं तो मुझे कोना कोना पता है होटल का, मेरा ही होटल है। और आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप प्लीज इनके साथ रहिए। और पारो, आप अपना ख्याल रखो, मैं माँ को लेके आता हूँ। ओके, आप भी अपना ख्याल रखना। ओके ओके बच्चा, मैं आता हूँ। आप लोग थोड़ा दूर उस तरफ जाओ, ताकि कोई इधर से आ रहा होगा तो उसके देखने से पहले आप लोग उसे देख लेना। जाओ ना जल्दी। चलिए मैम। अरे बच्ची कहाँ गई? अरे हाँ, अरे बच्ची यहीं तो थी, कहाँ चली गई? बेटा आप क्यों आए यहाँ पे? आपको वहीं पे रुकना चाहिए था। अपने डैड के पीछे आ रही है। सत्या, मैं देखता हूँ। रुको, वो अपने डैड के साथ चली गई, उसने अपने पिता को अकेले नहीं जाने दिया। सच में ये बच्ची बहुत ही होशियार है और बहादुर भी। हाँ बैठो, क्यों आए आप यहाँ पे? आपको वहीं पे रुकना चाहिए था, वहीं पे सेफ थे। मैं यहाँ भी सेफ हूँ क्योंकि मैं अपने डैड के साथ हूँ। मेरे डैड से बहादुर कोई हो सकता है क्या? मेरे डैड सुपरमैन है, आप मुझे हमेशा बचाते हो। जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ आप हमेशा मुझे बचाते आते हो। बेटा मैं तो अभी भी आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगा। आपको वहाँ से आने की जरूरत नहीं थी बेटा, क्योंकि वहाँ जो भी है सब है, पर मैं उनको नहीं जानती, मैं अपने डैड को जानती हूँ। मुझे अपने डैड पे भरोसा है, इसलिए मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगी। अरे इसमें रोने की क्या बात है, मैं सच बोल रही हूँ। कितना अजीब है, एक तरफ लक्ष्मी है जो दुनिया में किसी पर भी भरोसा कर सकती है लेकिन मुझ पर नहीं, और दूसरी तरफ मेरी पारो है जो मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। लक्ष्मी मुझे दूर रहने को कहती है और मेरी पारो मुझे खुद से अलग नहीं होने देती। चलो ना डैड, हमें माँ को ढूंढना है, वो कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है? चलो ना डैड। हाँ पारो, चलो आपकी माँ को ढूंढते हैं। आ जाओ जल्दी, आ जाओ आराम से। मुझे ओजस की बहुत चिंता हो रही है, वो ठीक तो होगा ना? हाँ मैडम, वो बिल्कुल ठीक होगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए अभी हमारी प्रायोरिटी आप हैं, अभी हमें आपको यहाँ से सुरक्षित निकालने पर ध्यान देना होगा। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि टेररिस्ट मुझे क्यों मारना चाह रहा है, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? अब मैडम ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपको इस अटैक का अंदेशा तो था, जैसा आपने बताया कि आज सुबह ही आपको वो धमकी वाला खत मिला था, इससे आपको अंदाजा तो था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। ये मिस्टर अभिनव पीएम के आसपास ही भटकता रहेगा, तुम ये आत्माओं इस मिश्रा को दूर करो सीएम से, ये आदमी मेरे लिए दिक्कत बन रहा है। ये सारे लोग लेके आ गया भी सीएम को बचाने के लिए, इतने सारे फाइटर्स, वो भी सीएम की सुरक्षा के लिए, हमारा काम मुश्किल कर रहा है ये मिश्रा। तो क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब तो बाहर जा रहे, तभी बाहर निकल जाएंगे। पीएम को अपने कंट्रोल में रखने के लिए हमें हॉस्टेजेस चाहिए, ऐसे सिचुएशन में हॉस्टेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गोलियों से। नहीं 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 नहीं, ये लोग बाहर नहीं निकलने चाहिए। तुम दोनों कर क्या रहे हो? अरे तुम लोग सच में आतंकवादी और नौसिखिए हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना है तुम्हें? अरे जाओ अपना आतंक दिखाओ, उनको बंदी बनाओ। सुनो मेरे साथ एयरपोर्ट पे कनेक्टेड रहना। चल सुनो। नहीं नहीं, हम खतरा बढ़ने का वेट नहीं कर सकते, हम कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। सही कहा भाभी आपने, अभी तो हम फिर भी यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अगर वो आतंकवादी आ गए ना, हम भी फंस जाएंगे। हाँ
रुक जाओ, जो जहां है वहीं रुक जाए। हो गया जो होना था, निकल गया जो निकल सकता था, अब जो जहां है वहीं रहेगा। क्या लेके आओ सबको? ए बाड़गल, ए पीछे से, पीछे से निकल, बाहर निकलो, खड़ा हो, कुछ नहीं, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, निकलो उधर। ए तुम लोगों अलग से बोलना पड़ेगा, बाहर निकलो, निकलो उधर, चलो इधर, चलो इधर, इधर इधर। संभाल इन सबको, कोई भी होशियारी करे ना गोली मार देना। ए, हेलो हेलो हेलो, आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, तो जो भी भाई बहन मेरी आवाज सुन रहा है वो कृपया करके होटल की लॉबी में आ जाए। और हाँ, कोई होशियारी करने की कोशिश मत कर, तो वो वही मारा जाएगा। देखिए, हम आप सबको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम आप सबको सिर्फ एक जगह रखना चाहते हैं, तो जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करते जाइए। और हाँ, कोई कहीं छुपेगा नहीं, वरना वही मारा जाएगा। तो आ जाइए, हम आप सबका इंतजार कर रहे हैं। माँ देख क्यों नहीं रही है पार, हमें उनकी बहुत जरूरत है। डैड, हम उन्हें ऐसे क्यों ढूंढ रहे, हम उनको फोन करते हैं ना? फोन नहीं कर सकते बेटा, हमारे नेटवर्क जाम है सारे। क्यों? वो गद्दे अंकल है ना, उन्होंने कुछ तो गड़बड़ी कर दिया, सारा नेटवर्क जाम हो गया। लक्ष्मी माँ मिल जाए बस। जल्दी जल्दी चल, कुछ भी बंद बोलना, इधर उधर नहीं, सीधे सीधे। कुछ भी मत बोलो, हम बचा लेंगे माँ को, कुछ नहीं होने देंगे, हम बचा माँ को भी बचा लेंगे। रिपोर्ट बच्चे उधर रुक, क्यों पकड़ा इनको, मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा है आपका? पारो नहीं नहीं, पीछे 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 पीछे, पारो पारो ठीक है ना, तुझे कुछ हुआ? पीछे मैं ठीक हूँ, पर आप, ए तुम दोनों माँ बेटी का हो गया मिलाप, चलो अब तुम दोनों मेरे साथ चलो, चलो। नहीं नहीं एक मिनट, वो क्यों जाएगी? वो इतनी छोटी बच्ची है, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं चल रही हूँ ना साथ में, पारो तू जा यहाँ से, जा। माँ कुछ नहीं होगा, आप डरो मत, ये गंदे अंकल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पारो मैंने बोला ना जा यहाँ से। माँ आप डरो मत, देखो अब इन गंदे अंकल की कैसे पिटाई होगी। अच्छा पिटाई तू करेगी? हाँ मैं तो करूँगी, पर बाद में, पहले करेंगे मेरे सुपर हीरो। सुपर हीरो? वो कौन है? सुपर हीरो आ जाओ बाहर, सुपर हीरो बाहर आ जाओ। डैडा भाई रो गए, बाहर भी आओगे? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।